एडवांस सर्वर, एडवांस सर्वर और एडवांस सर्वर। वैसे तो अपनी फ्री फायर के अंदर 15 सर्वर है, लेकिन जब 16वें सर्वर का नाम आता है उधर अपन यहाँ पर एडवांस सर्वर के बारे में बात करते हैं। और बात भी क्यों ना करें, क्योंकि फ्री फायर के अंदर एकमात्र एडवांस सर्वर ही है जिसके अंदर अपन को फ्री के डायमंड मिलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप यहाँ पर मेरा एक वीडियो देख लो जिसमें मैंने यहाँ पर भर भर के डायमंड क्लेम किए थे, और उस बारे सर्वर के अंदर मेरे पास 1 से 2 लाख फ्री के डायमंड हो चुके थे। ये अभी ट्रेलर है। तो वैसे तो मैंने एडवांस सर्वर के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, लेकिन आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एडवांस सर्वर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन हरामखोरों के चक्कर में मत पड़। पिछले टाइम में मैंने 1 से 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडवांस सर्वर का कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लेकिन अब वाली प्रोसेस काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और उससे बहुत ही कम लोगों को बेनिफिट हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पर एक और नया वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस सर्वर कैसे डाउनलोड करना पड़ता है, कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है और कैसे उसका एक्टिवेशन करना पड़ता है, और उसी के साथ में एडवांस सर्वर के अंदर से अपन को कैसे ढेरों लाखों डायमंड क्लेम करने पड़ते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2000 years later। तो भाई एडवांस सर्वर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एडवांस सर्वर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है फ्री फायर एडवांस सर्वर। बस आपको इतना सा टाइप कर देना है और उसके बाद में सर्च मार देना है। जैसे आप यहाँ पर गूगल में सर्च मारोगे तो आपके सामने गूगल का जो सर्च रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। उधर आपको तरह तरह की साइट्स वगैरह मिल जाएंगी जो दावा करते हैं कि मैं यहाँ पर एडवांस सर्वर देता हूँ। तो आपको उन वाली साइट से एडवांस सर्वर नहीं लेना है। आपको फर्स्ट वाली साइट दिख रही होगी वो फ्री फायर की ऑफिशियल साइट है और इसी से सभी कोई एडवांस सर्वर डाउनलोड करता है। तो आपको फर्स्ट वाली साइट पर क्लिक कर देना है। साइट की लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्री फायर एडवांस सर्वर की ऑफिशियल साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सामने आपको 2 लॉगिन बटन दिखेंगे, पहला फेसबुक का होता है और दूसरा जीमेल का होता है। लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको टाइमलाइन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली साइट टाइम के हिसाब से ओपन होती है और टाइम के हिसाब से बंद हो जाती है। अगर आप यहाँ पर सही टाइम पे आओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर गलत टाइम पे आओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मारो मुझे मारो। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर आपका फ्री फायर का अकाउंट फेसबुक से तो आपको फेसबुक के थ्रू ही लॉगिन करना है, और अगर आपका फ्री फायर का अकाउंट जीमेल से है तो आपको यहाँ पर जीमेल के अकाउंट से ही लॉगिन करना है। जैसे अपन यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो फिर फ्री फायर वाले अपन से एक एक्टिव ईमेल मांगते हैं, तो अपन को यहाँ पर कोई भी एक एक्टिव ईमेल डाल देनी, वो कोई भी हो सकती है, बस आपकी ही होनी चाहिए। बस आपको ईमेल डालने के बाद ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका जो फ्री फायर का एडवांस सर्वर का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अरे सर क्या बात है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा, ध्यान से आपको इसको कॉपी कर लेना है। साइड में आपको यहाँ पर एक कॉपी का बटन जरूर दिख रहा होगा, बस आपको उस पर क्लिक कर देना है और आपका चुटकियों में आपका एक्टिवेशन कोड यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और एक्टिवेशन कोड को कॉपी करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको डाउनलोड एपीके का ऑप्शन मिल जाएगा, बस आपको उस पर क्लिक कर देना। अब एपीके को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर फटाफट से अपने मोबाइल में अपने एपीके को इंस्टॉल कर लेना है। अब आपको तो ऐप को इंस्टॉल करना आता ही, लेकिन अगर आप यहाँ पर पीसी से हो तो आप यहाँ पर ब्लूस्टैक्स 5 के अंदर इस वाले ऐप को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। ब्लूस्टैक्स 5 के अंदर फ्री फायर का एडवांस सर्वर बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है। एडवांस सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने एडवांस सर्वर के ऐप को ओपन करना है, और जैसे आप यहाँ पर अपने एडवांस सर्वर के ऐप को ओपन करोगे उधर आपको एक गेस्ट का बटन दिखेगा। बस इधर क्या है कि अपन अपना रियल अकाउंट को रन नहीं कर सकते, इसके लिए अपन को दूसरा गेस्ट का अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे होगे कि आपका अकाउंट इधर लॉगिन हो जाएगा तो आप गलत हो। तो इधर आपको गेस्ट के बटन पर फटाफट से क्लिक कर देना है, और जैसे अपन यहाँ पर न्यू अकाउंट बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको एकदम न्यू अकाउंट बना देना है, अपना नाम लिख देना है और उसके बाद में कन्फर्म कर देना है। Next day. जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करोगे तो उधर आपको एक्टिवेशन कोड पूछा जाएगा, तो उधर आपको बॉक्स में अपना जो एक्टिवेशन कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है और उसके बाद में ओके बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पर अपना एक्टिवेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद में आपका एडवांस सर्वर ओपन हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एडवांस सर्वर ओपन करने के बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ चीजों को आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने मेल बॉक्स में जाना है। उधर जैसे आप यहाँ पर मेल बॉक्स में जाओगे तो उधर आपको 10,000 EXP कार्ड मिल जाएंगे, उनको फटाफट से आपको क्लेम कर लेना है। जैसे आप उन वाले EXP कार्ड को क्लेम करोगे तो आपका अकाउंट एक लेवल से फटाफट से 13 लेवल का हो जाएगा, और जैसे ही आपका अकाउंट 13 लेवल का हो जाएगा उसके बाद में आपकी सारी अचीवमेंट वगैरह खुल जाएंगी और आपको बहुत ही ज्यादा फ्री के डायमंड्स वगैरह मिल जाएंगे। अब आपको डायमंड कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो डायमंड लेने के लिए आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पर इवेंट सेक्शन के अंदर, और जैसे आप यहाँ पर इवेंट सेक्शन के अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही जरूरी काम करना है, वो है भाइयों आपको यहाँ पर न्यू करेक्टर को क्लेम करना है। न्यू करेक्टर इधर एडवांस सर्वर के अंदर
एडम की शक्ल में होता है। तो जिधर आपको एडम की शक्ल का कोई भी करेक्टर मिले उसको फटाफट से क्लेम कर लेना है, क्योंकि एडवांस सर्वर के अंदर न्यू करेक्टर का फेस नहीं दिखाया जाता है और न ही उसका नाम दिखाया जाता है। और उसी के साथ में जैसे आप नीचे आओगे तो आपको कुछ टास्क वगैरह भी कम्प्लीट करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पर डेली टास्क कम्प्लीट करोगे तो आपके जो डायमंड के जो क्लेम बटन है वो ओपन होते जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा फ्री के डायमंड्स वगैरह मिलते जाएंगे। तो अब भाई आपके पास डायमंड भी आ चुके हैं और उसी के साथ में अब आपके हाथ में एडवांस सर्वर भी है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और ख्याल आ रहा होगा कि भाई जो एडवांस सर्वर है और जो अपने फ्री फायर के नॉर्मल सर्वर है उनमें क्या फर्क है, और नहीं तो क्या। तो चलो मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा फर्क समझाने वाला हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि एडवांस सर्वर और नॉर्मल सर्वर में कितना ज्यादा अंतर है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे एडवांस सर्वर के बारे में। तो एडवांस सर्वर खास तौर पर अपन यहाँ पर बात करेंगे तो न्यू चेंजेस वगैरह के लिए होता है, क्योंकि एडवांस सर्वर के अंदर अपन को सारी चेंजेस के बारे में पता पड़ जाता है कि आने वाले अपडेट में अपने फ्री फायर के अंदर क्या क्या चेंजेस वगैरह आने वाली है। और उसके साथ में जो एडवांस सर्वर होता है वो 5 से 7 दिन तक ही रुकता है और उसके बाद में फ्री फायर वाले एडवांस सर्वर को बंद कर देते हैं और अपन ने जितने भी डायमंड क्लेम करके रखे अपन ने जितना भी खरीदा है वो सारा कुछ गरेना वापस ले लेता है। लेकिन जो अपने नॉर्मल सर्वर होते हैं उनके अंदर भाई चेंजेस परमानेंट होती है और उसी के साथ में जो अपना नॉर्मल सर्वर का अकाउंट होता है वो अपने पास परमानेंट होता है। अपन जितना भी खरीदते हैं अपने पास जितने भी डायमंड वगैरह होते हैं वो अपने लिए लाइफ टाइम होते हैं और उनसे गरेना बिल्कुल भी नहीं लेता है। तो इस तरह से एडवांस सर्वर और नॉर्मल सर्वर में बहुत ही ज्यादा फर्क है। लेकिन मुझे एडवांस सर्वर की एक सबसे बढ़िया खास बात लगी वो यार स्टोर सेक्शन। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल सर्वर के स्टोर सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी चीजें मिलेंगी, खास करके अगर आप यहाँ पर रूम कार्ड वगैरह परचेस करने जाओगे तो आपको रूम कार्ड वगैरह बहुत ही ज्यादा महंगे मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर एडवांस सर्वर के अंदर से रूम कार्ड परचेस करने जाओगे तो आपको एक एक डायमंड में भाई सारे रूम कार्ड वगैरह मिल जाते हैं। चाहे आप यहाँ पर रेड रूम कार्ड खरीद लो, आप यहाँ पर येलो रूम कार्ड खरीद लो, आप कोई भी रूम कार्ड खरीद लो, अपन को सिर्फ एक ही डायमंड में सारे रूम कार्ड मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे एडवांस सर्वर और नॉर्मल सर्वर में काफी ज्यादा फर्क है और मुझे उम्मीद है कि आपको एडवांस सर्वर और नॉर्मल सर्वर के बीच का फर्क पता पड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.